तो दोस्तों अभी पापा से परमिशन मिल चुका है एंड उसके लिए मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ा। मुर्गी का नहीं है, मटन है, ये लेग पीस नहीं है। साफ सफाई करेंगे एंड उसके लिए मैंने यहाँ पर दाव भी रखा है। और हमारे घर में कुछ एक हफ्ते से ये आ रही है, रोज आ रही है। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा स्नेल मिलते हैं एक ही बार में। जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पर आपके यहाँ डाले ना, ये देखिए एक बार में इतना सारा स्नेल्स, बस ये अम्मी बनाए और खराब हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये जंगल में तो और अच्छा लगता है भाई, मटन कितना मस्त लग रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। सो फिलहाल अभी सुबह के 8:10 चुके हैं एंड सुबह सुबह कितना करकटी धूप निकली हुई है और ये धूप डायरेक्ट मेरे आंखों में लग रहा है, जिसकी वजह से ना मैं अच्छे से देख भी नहीं पा रहा, मतलब आंख खोल भी नहीं पा रहा। कल से थोड़ा सा ज़्यादा खुशी हूँ। खुशी का कारण यह है कि मेरा दीदी और उनका हस्बैंड एक साल बाद हमारे यहाँ पर आए, तो खुशी थोड़ा सा ज़्यादा है। बट थोड़ा सा अफसोस इस बात का भी है कि मेरे जीजाजी, मतलब हम लोग एक्चुअली मियाँ भाई बोलते हैं, तो मियाँ भाई हमारे कुछ दिन बाद चले जाएंगे, लाइक 1-2 दिन के अंदर चले जाएंगे। तो थोड़ा सा खराबी इस बात का है, मतलब खराब इसलिए लग रहा है क्योंकि उनको मैं कहीं घुमा नहीं पाऊंगा। उनके लिए मैंने कुछ सोच के रखा है और वो जो सोचा हुआ मैंने अपने पापा को बता के रखा है। अभी वो पापा हाँ या ना बोलेंगे उसका मुझे भी नहीं पता। फिर क्या ना, अभी नया साल आने वाला है तो नए साल में तो सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं पिकनिक वगैरह। बट हम लोग सोच रहे हैं फैमिली पिकनिक करेंगे अपने घर के बगल में आसपास कहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर नदी भी एक बार सामने थोड़ा, तो वहीं पर हम लोग सभी लोग एक साथ जाके पिकनिक वगैरह बनाएंगे एंड देखते हैं कि पापा हाँ या ना बोलते हैं। अपने अंदर नहीं, मैंने बस सजेशन किया, मतलब बताया हूँ पापा को कि ऐसा ऐसा ऐसा, अभी वो हाँ बोलेंगे तो अपना ये पिकनिक को आराम करेंगे और खूब एंजॉय करेंगे फैमिली पिकनिक। अभी तो विंटर का समय आने वाला है तो हमने कल दो कार्टून पूरा जैकेट मंगाया और आपको दिखाता हूँ कि कितना जैकेट आया है। देखिए तो यहाँ पर कुछ है जैकेट्स और यहाँ पर है कुछ जैकेट जो कि हमारे घर में कुछ एक हफ्ते से ये आ रही है, रोज आ रही है, खुद आती है और यहाँ पर घर पर बैठा है, तो हमें जो भी खाना पीना होता है ना हम इसे भी देते हैं। कितना प्यार से सो रही है, सीटी भी नहीं निकलता। आय हाय कितना मजे से सो रहे हैं। मॉर्निंग में मुझे कुछ दिनों से ये मिलता है चना और डेट्स छोहारा। ब्रेकफास्ट बनने में अभी थोड़ा सा लेट है क्योंकि भाई अभी पता है ना दीदी आए तो गप्पे सुपे मार मार के लेट हो ही जाता है। तो अभी मुझे बस चाय मिल चुका है और ये पोपी क्या पता नहीं क्या बोलते, जो भी हो नाम याद है पर भूल गया अभी। वैसे मैं सोचा था कि नहीं दिखाऊंगा आपको जैकेट, फिर भी मतलब दिल के अंदर कुछ हो रहा था, मैं सोचा कि थोड़ा बहुत आपको दिखा दूंगा। तो मुझे कुछ जैकेट पसंद है तो मैं आपको थोड़ा सा वो दिखाऊंगा जो अच्छे रेंज वाले, अच्छे मतलब अच्छे कपड़े, तो वो मैं आपको कुछ चीज दिखाऊंगा ऐसे। तो ये है मेरा सबसे पहला जैकेट एंड कैसा लग रहा है आपको बताइएगा, काफी अच्छा है पहनने के लिए, बहुत कंफर्ट है। ये है दूसरा जैकेट जो कि मेरे पापा ने ऑलरेडी ले रखा है और मैं अपना पापा वाला पहन के दिखा रहा हूँ आपको। इसका एक चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा वो है कि गाइस पूरा एकदम प्लेन और कितना स्मूथ है, इसको देखने के बाद एक अलग सा फील आता है। और पापा इसको देखे सबसे पहले बोल ये लेंगे, तो ये मेरा पापा का फेवरेट, और कैसा लग रहा है आप जरूर बताइएगा। अभी तक का सबसे महंगा वाला जैकेट ना हम लोग ये वाला मंगाए हैं और ये देखने में आपको बहुत पतला सा लगेगा, पतला सा, बट इसको जब आप ऐसे 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 टच करेंगे भाई क्या सॉफ्ट। और इसके अंदर में ना आपको सैंपल दिया गया है, ऐसा ऐसा वाला रुई है, कुछ ऐसा रुई, इसका गर्म ना बहुत अलग लेवल का है। और मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा भाई, कितने भी मतलब कितना भी हवा आ जाए भाई अंदर घुसेगा नहीं, ऐसा वाला एकदम विंडशील्ड मजा आ रहा है। तो अभी दुकान वगैरह खोल दिया हुआ एंड अब जा रहा ब्रेकफास्ट करने के लिए, देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में आज क्या बना है। कुछ तो बना होगा क्योंकि मुझे सुबह सुबह खुशबू आ रहा था गोश्त का, तो देखते हैं अभी क्या बना है, आपको भी दिखाते हैं। ये है आपका मटन और उसके बाद ये है स्टोमा, तो ये दोनों मिक्स करके मेरे लिए बना हुआ है और अपना फेवरेट रेगुलर रोटी। तो ये कुछ ब्रेकफास्ट है जो कि मैं अभी आराम करने वाला हूँ। A few inches later नाश्ता वगैरह हो चुका है एंड काफी अच्छा लगा खाकर, पर सुबह सुबह मसाला चीज नहीं खाना चाहिए, फिर भी भाई बना है तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, खाया पूरा पेट भर के। अब चलते हैं दुकान पर एंड पापा का हाँ का इंतजार करते हैं। वैसे अभी तक मैंने पूछा नहीं, फिर भी मैं पूछूंगा करीब से करीब, और 10-15 दुकान में थोड़ा देर बैठ के पापा को थोड़ा खुश करा के देन उसके बाद पापा हाँ ये वगैरह वगैरह तो पक्का है हाँ बोल देंगे, देखते हैं क्या होता है। जो भी जैकेट वगैरह लेकर आया था ना हमें यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मुझे जितने भी पर्दे हुए ना ये सारे पर्दे निकाल के पापा वाले दुकान में रख दूंगा एंड उसके बाद वो जो रेन कोट है वो अंदर डाल दूंगा, देन यहाँ पर मेरा बहुत ज़्यादा स्पेस बच जाएगा, उसके बाद यहाँ पर मैं अपना जैकेट वगैरह रख दूंगा। यहाँ पर पूरे जैकेट को मैंने मिला के रख दिया, अब जाके थोड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे लगा था कि ये जगह में जाएगा ही नहीं, पर मैंने पूरा अच्छे से मिला के एडजस्ट कर दिया, तो कुछ उधर ज़्यादा रेट के है, यहाँ पे थोड़ा सा कम, उससे कम, उससे कम 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 करके ऐसे करके मैंने मिला के रखा है।
तो अभी पापा से परमिशन मिल चुका है एंड उसके लिए मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ा ताकि पापा खुश हो जाए। खुश होने के बाद वो बोला कि ठीक है कल, पर उसमें भी एक कंडीशन दिया कि बोला है कि घर पे खाना वगैरह बनाकर उसके बाद लेके जाओ वहाँ पे एक साथ बैठ के खाओ। तो मैंने बोला ठीक है, उतना भी सही क्योंकि क्या है ना कि हम सभी लोग दुकान पर बैठे हैं एंड सभी लोग एक साथ चल जाएंगे वहाँ पर, फिर खाना बनाओ उसके बाद वहाँ पर 1 से 2 घंटा ऐसे वेस्ट होगा, तो दुकान पर भी कस्टमर आते रहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इसीलिए बोला कि घर पर खाना बनाने दो एंड उसके बाद जाके तुम लोग वहाँ पर बैठ के 1 घंटे 1 घंटे बैठ के मस्ती से एंजॉय करके खा के आ जाना। तो हमने बोला कि ठीक है उतना भी काफ़ी है। हम लोगों का चावल बन रहा है और साथ ही यहाँ पर मीट भी लेकर आए हैं और मीट देखिए पूरा मटन आज इतना कम से कितना होगा, 2 किलो 2 किलो पापा नहीं पता नहीं पापा कितना लाकर दे दिया, बोला कि ले जाओ बनाओ और खाओ मजे से। तो भाई तो हम लोगों का भी खाना वगैरह बन रहा है एंड लाइक 1 से 1.5 घंटे बाद या जितना भी समय लगे बन जाए उसके बाद हम लोग जाएंगे उस तरफ उधर नदी के किनारे में बैठ के एकदम मस्त से सभी लोग एंजॉय करके खाएंगे। अभी आपका समय हो चुका है 2:10 और हम लोगों का खाना ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, चावल पक चुका है एंड बस अभी मीट बनना बाकी है और यहाँ पर अम्मी मीट बना रहे हैं जो कि अभी थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा। और अभी हम जाएंगे नदी की तरफ, तो हमने पानी ऑलरेडी ले कर रखा है क्योंकि वहाँ पर नदी का पानी नहीं पिएंगे थोड़ा सा गंदा है, तो अभी इसको लेके जाएंगे नदी की तरफ और उसके बाद साफ सफाई करेंगे एंड उसके लिए मैंने यहाँ पर दाव भी रखा है और साथ ही कपड़ा भी ले लिया क्योंकि नहाना भी है, तो नहाएंगे भी और उसके बाद वहाँ पर हम लोग एक साथ बैठ के सब खाएंगे। तो हम लोग पहले जाएंगे क्योंकि हम लोग जाकर थोड़ा सा साफ सफाई करेंगे, नहाएंगे, देन उसके बाद खाना जब रेडी हो जाएगा बनकर उसके बाद दीदी लोग आएंगे, बहन लोग आएंगे, सब खाना लेके उसके बाद हम लोग वहां पर बैठकर मस्ती से एंजॉय करके खाएंगे। तो चलो जी अपना ये पानी बाल्टी उठाते हैं जिसमें मैंने पानी रख लिया है और चलते हैं नदी की तरफ। लाली जंगल में अकेले ये हमें देख के शौक लग गया। मेरे घर के पीछे आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, पूरा मस्त हरियाली और इधर देखोगे तो आपको पूरा बम्बू के पेड़ कितने बहुत एरिया में काफ़ी एरिया और अंदर में ना आपको एकदम मस्त डिजाइन जैसे एकदम लाइन वाइज लगा कर रखा ना, तो अंदर में बैठने के लिए भी अच्छा जगह। पर हम इधर नहीं बैठेंगे, हम जाएंगे उस तरफ नदी के पास और ये रहा मेरा बाल्टी, एक्सरसाइज भी हो रहा है एक साथ में दो काम। तो उधर में जाएंगे पहले देखते हैं कि कौन सा जगह मिलेगा अच्छा वाला, वहाँ पर थोड़ा सा बहुत साफ सफाई करके एंड उसके बाद नदी में नहाएंगे और यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरा घर यहाँ से हार्डली आपका 200 मीटर में है एंड इस तरफ का आप नज़ारा देख सकते हो भाई कितना मस्त खूबसूरत। और इस तरफ में हम बहुत दिनों बाद मैं अपना बता रहा हूँ तो काफ़ी दिनों बाद आए और यहाँ पर आके देखे इतना ज़्यादा जंगल भाई शौक लग गया क्योंकि रोज़ तो आते जो रोज़ आता है उसके लिए तो नॉर्मल है। तो हमें एक जगह मिल चुका है यहाँ पर और उम्मीद नहीं किया था कि ऐसा साफ भी मिलेगा, तो यहाँ पर आराम से चटाई वगैरह बिछाकर सभी लोग एक साथ बैठ के खाएंगे और ठीक यहाँ पर सामने नदी जहाँ अभी हम नहाने वाले हैं एकदम मस्त है। तो एक चीज़ का काम बच गया मतलब साफ सफाई का मेहनत अब नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तो ऑलमोस्ट बहुत अच्छा जगह है, अभी बस हमें क्या करना पड़ेगा अपना शरीर का साफ सफाई करना पड़ेगा, उसके लिए हम जाएंगे नदी में नहाने के लिए। ठंडा ठंडा पानी और पानी यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं है, आपको थोड़ा बहुत ही पानी देखेगा, देखिए नींव नी के बराबर ही है और उधर भी जाओगे तो आपका ज़्यादा नहीं बस 6 के बराबर ही पानी है। बट बचपन में याद है भाई हम यहाँ पर डूब जाते थे ये वाला जगह में और ये जो पेड़ देख रहे हैं इसके ऊपर वहाँ पर चढ़ते थे एंड वहाँ से जंप करते थे, उस समय तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगता क्योंकि हम छोटे थे ना एंड अभी तो भाई एकदम खड़ा खड़ा पार हो जाऊँगा। तो अभी चलो भाई अपना ये नदी का नहाने वाला शुरू करते हैं। कैसा लग रहा, मज़ा आ रहा आपको? ठंडा है ना पानी, पूरा पहाड़ का पानी तो ठंडा हो गई। और यहाँ पर फिलहाल कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, बस हम 2 लोग हैं। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा स्नेल मिलते हैं एक ही बार में, जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पर आपके हाथ डाले ना, ये देखिए एक बार में इतना सारा स्नेल, बस ये क्या है ना छोटा ही छोटा स्नेल है, इसको खाने में भी इतना मज़ा नहीं आएगा। ऐसे देखिए और एक बार इधर में कहीं हाथ डाला उसके बाद ऐसे निकाला तो ये देखिए पूरे स्नेल्स ही स्नेल्स भाई, अगर ये बड़ा होता ना तो भाई मज़ा आ जाता पकड़ने के लिए भी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है क्योंकि यहाँ पर ना आपको सिर्फ पत्थर ही देखने को मिलेगा और इसका जो स्नेल का कलर है ना वो भी आपका देखिए ऑलमोस्ट मैच करता है, तो ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट है। और यहाँ पर आपको ना बस ऐसे छोटे छोटे मिलते हैं और एक बार मैं पकड़ा था रूपम के साथ, जेरी के साथ पकड़ा था ना, तो उस वक्त भाई उसका साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा था बट इसका साइज़ थोड़ा छोटा छोटा है। और यहाँ पर ना आपको दिखेंगे, ये देखिए मिल रहा है पर आपको फोकस करना पड़ेगा तभी जाके आपको स्नेल्स वगैरह मिलेंगे। तो हम लोगों का नहाना धोना भी हो चुका और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया और सबसे ज़्यादा तो मेरा जीजाजी एकदम मस्त से नहा रहे थे एंड मैं नहा के 10 मिनट पहले निकला था, वो नहा ही रहे थे मज़े से। तो अभी यहाँ पर हम लोगों का खाना पीना भी आ चुका है और यहाँ पर देख सकते हो तो यहाँ पर खाना पीना सब आ चुका है, वहाँ पर अभी सैलेड बन रहा है, वहाँ पर हम लोगों का मटन और उसके बाद राइस का है, राइस उसमें है ना,
तो वहाँ पर राइस, उसके बाद मटन और बस इतने सिंपल में खाना खाएंगे बस एक साथ बैठ के। और ये रहा मेरा दीदी जो आई है यूपी से एक साल बाद, और उनका हस्बैंड उधर रेडी हो रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पर मस्त बैठेंगे, थोड़े से गप्पे सप्पे करेंगे, जो भी एंजॉय करेंगे थोड़ा बहुत आपको भी दिखाएंगे। एंड एक्चुअली में हम तो एंजॉय करने के लिए हैं, तो एंजॉय करेगा क्या चीज टकल दिखाओ, हाय बोलो। बबिया का बॉयफ्रेंड देखे तो क्या तो यहाँ पर हम लोगों का है टमाटर कट रहा है, प्याज है, उसके बाद ये नींबू, लेमन नींबू जो भी हो क्या पता नहीं। और उसके बाद हमने पानी लेकर आया था, तो ये पानी एक बकेट, और नदी का पानी थोड़ा सा गंदा दिखा। एंड थैंक गॉड कि हम पहले से पानी लेकर आ गए, नहीं से पता चलता कि गंदा पानी पीना पड़ा। सभी लोगों का चावल निकाल दिया प्लेट में, और हम लोगों का ये सैलेड भी रेडी हो चुका है। और यहाँ पर देखिए भाई मटन कितना मस्त लग रहा है। किसका मुँह से पानी आ रहा है। तो ज़्यादा देर नहीं करते, पहले इसको सबको सर्व कर देते हैं, एंड उसके बाद बैठ के खाते हैं अपना टेस्टी स्वादिष्ट जो भी हो मटन। सभी लोगों को खाना सर्व कर दिया है एंड खाना भी शुरू कर दिया है, और मैं दिखा रहा हूँ क्या क्या आज है। तो मटन और उसके बाद राइस, और ये देख रहे हो ना चुस्ता जो कि मेरा फेवरेट है, और ये सीना का मीट, चेस का मीट। क्या हुआ, लेग पीस है क्या हुआ? मुर्गी का नहीं है, मटन है, ये लेग पीस नहीं है। मटन को मुर्गी, लेग पीस इतना छोटा मुर्गी सोना। खाओ खाओ सोचो मत। तो सभी लोग खाना शुरू करते हैं, तो भाई मैं पी सकती हूँ, तो मैं भी। जीजा जी बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या हो गया? परेशान करते हैं साले लोग। सलाद देना। फीडबैक दो, अम्मी बनाए कैसा बनाए? बहुत टेस्टी। टेस्टी। चिकन लेग पीस बोलिए, चिकन लेग पीस। चिकन लेग पीस बोलना चाहिए ना भाभी, मटन लेग पीस, सॉरी सॉरी। हाँ नींबू खा लीजिए, मटन लेग पीस। टेस्टी तो है ही, अच्छा बना है ना, अम्मी बनाया और खराब हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये जंगल में तो और अच्छा लगता है। ओ भाई ये बात तो है भाई, कितना मस्त लग रहा है एकदम, ना शोर शराबा कुछ भी नहीं, एकदम सुनसान, बस हम ही लोग है जो 5-6 जाने पूरा एकदम एक जगह का माहौल बना के रखा है। और सबसे अच्छा पार्ट क्या भाई, यहाँ पर हम लोग मस्त बैठे हुए और सामने नदी है, एकदम ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा और थोड़ी थोड़ी साउंड भी मिल रही नदी के, मस्त लग रहा है एकदम। तो अभी सभी लोग खा रहे हैं इधर देख सकते हो, तो अभी हम भी खाना शुरू करते हैं। खा लो नहीं तो फिर हम इन लोग का वीडियो बनाते रहेगा, फिर उसके बाद मेरा खाना लेट हो जाएगा, तो इन लोग जल्दी जल्दी खा रहे हैं। चलो अभी अपना खाना को फिनिश करते हैं। पर सभी लोग ने ऑलमोस्ट खा लिया, खत्म हो गया। हाँ भाई अभी तो नींद आ रहा, भाभी कैसा लगा? बढ़िया। शर्मा गई मैं, हाय हाय। क्या चीज पूरा खा के मजा आ गया, बस ये थोड़ा सा हड्डी बचा हुआ है उसको भी मैं अभी खा के खत्म कर दूंगा। एंड ऑलमोस्ट देखिए राइस भी ज्यादा नहीं लाया था, एकदम सही था, और उसके बाद मटन भी खत्म हो गया, तो 5-6 आदमी लोगों के लिए हिसाब से बहुत अच्छा था, वेस्ट नहीं गया खाना। यहाँ पर दोनों बहन लगी हुई है बर्तन धोलाने के लिए, ऐसे इन लोगों को बोला कि घर पर जाके धो लो, बोलता है नहीं नदी में ही तो धो। तो सबको कहा तुम्ही लोग तो है छोटा भी, तुम लोग को धोना पड़ेगा, है कि नहीं, है कि नहीं बॉबी? हाँ। बॉबी का तो शक्ल ही नहीं दिख रहा है। धूप आ रहा है, इसलिए सूरज की वजह से नहीं दिख रहा था। सभी लोग अभी घर पे पहुंच चुके हैं एंड आज बहुत ज्यादा एंजॉय किया, थोड़ा सा ही समय साथ में रहे भाई की बहुत ज्यादा मस्त वाला एंजॉय किया, और इस दाव का तो कुछ भी काम नहीं हो पाया। आज की ये व्लॉग में बस इतना ही, एंड आपको ये व्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, एंड अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना एक अलग ही मजा आता है, तो हमने आज बहुत ज्यादा एंजॉय किया, एंड आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएगा, एंड चैनल पर नए तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ ये व्लॉग को यहाँ पर खत्म करते हैं, जल्द मिलेंगे और एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।